तो नमस्कार दोस्तों, आप हमको देख रहे हैं इसमें आम के पेड़ के ऊपर। आप सोच रहे हैं कि मैं आम के पेड़ के ऊपर क्या कर रहा हूँ, पत्ते गिन रहा हूँ या आम तोड़ रहा हूँ? दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे बैठा हूँ और लेटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं गिर गया तो दांत टूट जाएंगे। फिर भी मैं लेट कर आपको इस आम से जुड़ी अपनी कुछ यादें ताज़ा करने की कोशिश करता हूँ। बात उस वक्त की है जब हम लोग हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते थे ना, या फिर उससे जब छोटे रहे होंगे। उस वक्त क्या था कि इस पेड़ पे अभी तो इस पेड़ की कुछ टहनियाँ कट चुकी है, लेकिन इसके पहले इस पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ थी और उस टहनियों पर हम लोग लाखन खेलते थे। लाखन अगर गांव से संबंध करते होंगे तो आप तो जानते होंगे, हम लोगों का काफ़ी फेवरेट गेम होता था। इसमें क्या होता था कि एक हम लोग गोला बनाते थे, उसके अंदर एक होती थी लकड़ी, और लकड़ी को हम दूर फेंकते थे और जो बंदा उसमें चोर होता था वो लकड़ी को लाता था और हम लोग तुरंत पेड़ पर चढ़ जाते थे, और पेड़ पर चढ़ने के बाद इस डाल से उस डाल पर कूद कर हम लोग जो है खेल अपना खेलते थे और खेलने में खूब मजा आता था। लेकिन समय का तकाजा देखे कि आम का पेड़ तो है लेकिन वो टहनियाँ नहीं रही, और ना ही वो दोस्त अब रहे गाँव में जो हम लोगों के साथ हम लोग खेलते थे। रीज़न क्या है कि रोजी रोटी के चक्कर में बाहर सब पैसे कमा रहे हैं और सारी चीज़ें मिस आउट हो रही। अभी भी सही है कि हम थोड़े बड़े भी हो गए हैं और शरीर का वज़न भी ज़्यादा हो गया है, तो हालांकि मेरे शरीर का वज़न ज़्यादा नहीं हुआ औरों के भी हो गया है, तो अब हम इस टहनी से उस टहनी पर जाएंगे तो टहनी टूट जाएगी और हमारे हाथ पैर भी टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हम सारे काम तो नहीं सोचते, लेकिन फिर भी जब भी इस पेड़ को देखो तो एक अपनापन महसूस होता है, या पेड़ एक माने तो किसी दोस्त से कम नहीं है हमारे। रीज़न क्या है कि हमने इसके साथ एक ऐसा बचपन गुजारा है जो शायद सबके लिए, मतलब हर किसी ने, एक हर कोई अगर कोई जो गांव से संबंध करता होगा उसके गांव में एक ऐसा पेड़ तो रहा ही होगा जहां पर वो खेलते कूदते रहेंगे, पेड़ पर अक्सर चढ़ते रहेंगे, तो ये वैसा पेश है एक अच्छे दोस्त की तरह, जो उस वक्त के ज़माने में जब इतने खिलौने नहीं हुआ करते थे किसी के पास, उस वक्त खिलौने के साधन हमारे लिए बनते थे। और कुछ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों की वजह से ऐसे पेड़ को काटने में तोड़ने में थोड़ा भी टाइम नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि पौधों में जान हो या ना जान हो, आपका इमोशन जिस दिन किसी चीज़ से जुड़ जाएगा ना, फिर आपको जानवर छोड़िए इंसान छोड़िए पेड़ पौधों से भी प्रेम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सबसे सुंदर प्रेम अगर आप किसी से कर सकते हैं तो एक पौधा, एक पेड़। और आज हम कोई भी दिवस होता है, पर्यावरण दिवस हो, वृक्षारोपण के टाइम पे हम दो चार पौधे लगाते हैं बस फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर अपडेट करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं करते। हम उस गांव के अपने पुराने साथी को बहुत दूर छोड़ रहे हैं, और हमारे जो अब जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको इस चीज़ का मतलब भी नहीं पता कि इस पेड़ के कितने महत्व हैं, इस पेड़ से कितनी पुरानी लोगों की यादें जुड़ी हुई रहती हैं। तो मैं सोचता हूँ मेरे चाहने से क्या होने वाला है कि बच्चों को गांव में रहना चाहिए, एक उम्र तक तो रहना चाहिए, उसके बाद उन्हें अगर पढ़ने की अच्छी शिक्षा, देखिए अब तो सच पूछे तो अब अच्छी शिक्षा गांव में भी है, पहले नहीं थी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, अच्छी शिक्षा नहीं थी ना ही एक्स्ट्रा कार्य। जैसे मैं बताऊँ, जब मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था तो उस वक्त गाँव में ऐसे सिस्टम नहीं था कि तुम अगर अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहो, फुटबॉल में, कबड्डी में, या किसी भी स्पोर्ट गेम में जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जा रहे हैं, ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था, या फिर ऐसा कोई कुछ हमारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आती थी। रीज़न क्या था कि ना हमने ऐसी कुछ चीज़ें देखी जो इसके बारे में हमसे बताई जा सके, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम महसूस कर सकें हमें बनना है। हमारे स्कूलों में भी बड़ी मतलब उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी इन सब मामलों में। आज उसकी वजह है कि गाँव से बहुत अच्छे हर क्षेत्र में क्रिकेटर हो या फिर खो खो खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले, रेसलिंग वाले बंदे नहीं जा पाते। कुछ ही क्षेत्र हैं, कुछ ही राज्य हैं जहाँ से मतलब किसी भी फील्ड में लोग ज़्यादा जाते हैं। रीज़न क्या है कि हम
जिसमें हम आगे हैं, गांव के लोग आगे हैं, उस खेल को गांव में सही टाइम पे प्रोत्साहन नहीं मिलता। यही वजह है, देखिए मुझे छुकी काट ली, पेड़ पर बैठा था और मुझे और मारना ही पड़ेगा। जीव हिंसा तो बैर, लेकिन अगर आपको कोई अगर नुकसान पहुंचा तो उसको मारना भी जरूरी है। मैं दिखाता हूँ किस और मैंने इसके साथ जो कोशिश की, देखी वैसे मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन मैंने पकड़ लिया जब दावघात से। तो भाई इन सारी समस्याओं के बावजूद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तमाम उलझने आती हैं और तमाम लोगों की तमाम बातें भी सुनना पड़ता है कभी कभी, लेकिन फिर भी क्या है यार, ज़िंदगी ये चल रही, चलने दो जब तक चल रही है, और लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा आपके साथ भी और मेरे भी साथ। और इसी तरीके से आप अपने गाँव का ख्याल रखें, गाँव में पेड़ पौधे लगाएँ और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से अवेयर कराएं ताकि स्थिति बेहतर हो सके गांव की भी और शहर की भी, क्योंकि शहर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो गांव ही करता है, चाहे वो धान हो, चावल हो, गेहूँ, सारी चीज़ें कहाँ से जाती, गांव से जाती हैं। तो शहर को भी अगर अच्छे से बढ़ना है तो गांव का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना गाँव के शहर बिन माँ के दूध जैसा है। अगर ज़िंदगी के इन माहौल में फिर भी खुश रहना ज़रूरी है और खुश रहने के लिए खुशियों के पीछे भागना बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर आप हैं उसी चीज़ को एंजॉय करें, इसी में आप खुशी को पा सकते हैं। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई कुछ अपनी बातों के साथ, जो दिल के साथ आप जो मेरे दिल में, मैं आपके आप तक या आपके लोगों की बातों को और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार।